सुनिए जी। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे क्या है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई ही नहीं दे रहा आपको, तो क्या करूँ? अच्छा, आवाज क्यों लगा रही हो ये बताओ पहले। इतना सज सवर के जा कहाँ रहे हो? तुम्हें नहीं पता आज राखी है? पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन तुम कहाँ चले, सड़कों पे बहने ढूंढने? क्या एक कम पड़ती है? क्या बकवास करती रहती हो, त्योहार वाले भी दिन तुमको बिना लड़े चैन नहीं मिलता। तुम्हें याद तो है ही है कि आज राखी है, तो इसके साथ में ये भी याद होगा कि मेरी एक बहन भी है, वो भी आएगी राखी पे। राखी बांधने उसी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेने जा रही हूँ। अच्छा, लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी, जो अच्छा सा गिफ्ट लेने जा रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा, राखी का लॉटरी से क्या लेना देना? मेरी बहन आ रही है तो उसके लिए गिफ्ट तो लाऊंगा ना मैं। कोई गिफ्ट उफ्ट लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक साड़ी पड़ी है, वही दे देना। क्यों दे दूं वही, मैं अपनी बहन के लिए अच्छी साड़ी लाऊंगा अपनी पसंद का। तुम तुम्हारी साड़ी अपने पास रखो। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे अपनी घर गृहस्थी तुमको नजर नहीं आती क्या? अरे पैसे कमा रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं कि हवा में उड़ाओगे। कौन देता है अपनी बहन को इतनी महंगी साड़ियाँ? और वैसे भी तुम्हारी बहन लेके भी क्या आती है, वही सबसे सस्ती वाली आधा किलो मिठाई, राखी और नारियल बस, और इसके बदले में महारानी को चाहिए 5,000 की साड़ी। बस पिंकी, बहुत बोल लिया तुमने, मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। वरना क्या कर लोगे? बोलूंगी बोलूंगी, एक बार नहीं 1,000 बार बोलूंगी। और अगर तुमने अपनी बहन के लिए एक भी गिफ्ट खरीद के लाया ना, तो तांडव मचा दूंगी घर में, सोच लेना। जो साड़ी मेरे पास रखी है वही साड़ी चुपचाप से दे देना, और सबसे पहले तो अपनी बहन को फोन करके मना करो यहाँ आने के लिए। अब मना क्यों करना है, क्या मेरी बहन राखी पे अपने घर भी नहीं आई? हाँ नहीं आई, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारी बहन जीजा के लिए मैं सारा दिन पकवान बनाती बैठी रहूँ। मुझे भी अपने मायके जाना है, और इसीलिए तुम अपनी बहन को मना करो यहाँ आने के लिए। वहीं चल के राखी बंधवा लेना, उसके बाद मैं मायके चली जाऊँगी। और हाँ एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, खबरदार अगर तुमने कोई भी गिफ्ट खरीदा या फिर कैश दिया तो जो साड़ी मैं दूंगी वो चुपचाप पकड़ा देना। हे भगवान, तूने औरतों को ऐसा क्यों बनाया है? माफ कर दे माँ मुझे, मैं चाहे कि भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ किया तो घर में अशांति हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ माँ। लेकिन माँ तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करके स्वीटी को कुछ पैसे दे ही दूंगा। मुझे पता है अभी जीजा जी की भी नौकरी नहीं है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तेरी बहू के सामने तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी माँ उससे जितना हो पाएगा मैं स्वीटी की मदद ज़रूर करूँगा। मैं अपने भाई होने के फर्ज से कभी पीछे नहीं हटूँगा माँ। अरे मुँह लटका के बैठे ही रहोगे या चलोगे भी? मुझे लेट हो रहा है मेरे मायके जाने के लिए। तुम्हारी बहन के जैसे भिखमंगे नहीं है मेरे मायके वाले, मुझे भी राखी अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। हाँ चलो। स्वीटी, ओ स्वीटी देख तो कौन आया है। अरे भैया भाभी, आप अभी इतनी सुबह सुबह? क्यों, हम नहीं आ सकते क्या तेरे यहाँ? सरप्राइज देना था जो तुझे। थैंक यू भैया, मुझे इतना प्यारा सा सरप्राइज देने के लिए, मैं तैयारी ही कर रही थी वहाँ जाने की राखी के। अरे दीदी आप भी तैयारी करती हैं काहे के लिए? आधा किलो सस्ती वाली मिठाई लेने के लिए आपको तैयारी करना पड़ता है क्या? अरे मेरा मतलब है कि तैयारी करने की क्या जरूरत थी, मायके ही तो आ रही थी आप। भैया भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप क्यों तकलीफ करती हो, हम चाय नाश्ता कहीं और कर लेंगे। आप तो थाली लाकर अपने भाई को राखी बांध दीजिए, हमें जल्दी हो रही है, मुझे भी अपने मायके जाना है राखी के लिए। ठीक है भाभी चले जाइएगा, बैठिए तो सही, मैं अभी राखी की थाली लाती हूँ। सुनो मेरी बात, चुपचाप से ये बैग पकड़ा देना राखी के बदले, खबरदार अगर तुमने 1 रुपया भी दिया तो। नहीं दूंगा मेरी माँ, चुप हो जा। अरे ये क्या दीदी, अब तो बच्चों के खाने वाली चॉकलेट लाई हो। हाँ पैसे ही नहीं होंगे ना अच्छी मिठाई के लिए।
अरे दीदी, राखी तो हमारे मायके में होती है, दिवाली से कम नहीं होती। अरे इतनी प्रकार की मिठाइयाँ कि आप देखते देखते थक जाओगे, नाम भी नहीं पता होगा आपको। बहुत अच्छी बात है भाभी कि आपका घर परिवार संपन्न है, लेकिन मेरे भाई को मुझे पता है कि चॉकलेट बहुत पसंद है। हाँ स्वीटी, तुझे तो पता है कि मैं हमेशा से ही चॉकलेट खाता हूँ। अच्छा चल, तू इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दे, जल्दी से राखी बधा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। अरे अब चलो भी, बांध दिया ना राखी, और गिफ्ट दे दो अपनी दीदी को। हाँ हाँ जरूर, ये ले स्वीटी तेरा गिफ्ट। अरे नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए। अरे नहीं नहीं दीदी, हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि आपको खाली हाथ राखी बंधवाएं। चलो भी अब। ऐसे कैसे भैया, अभी तो आए हो आप लोग, मैं खाना बना रही हूँ ना, आप लोग खाना खाकर जाना। नहीं नहीं दीदी, इतना कष्ट मत कीजिए, वही खाना आप लोगों को कल काम आ जाएगा। अब चलो भी। अच्छा स्वीटी, चलते हैं हम लोग, जल्दी मिलेंगे तुझसे, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जीजा जिससे मिल नहीं पाए उसके लिए सॉरी बोलना, अगली बार जरूर मिलेंगे। जी भैया। अरे कहाँ रह गए जी, आओ जल्दी, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। आया, एक मिनट, स्वीटी के सोफे पे मेरा मोबाइल छूट गया, लेकर आ रहा हूँ, दो मिनट रुकना। ये क्या भैया, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? स्वीटी, इन पैसों पर तेरा भी हक है, मैं तेरा भाई हूँ और तेरी रक्षा करने का कसम लिया है मैंने। मुझे पता है कि तुझे भी पैसों की जरूरत है, तेरी भाभी को पता ना चले इसलिए मैं बहाने से आया हूँ, ले रख अपने पैसे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपके जैसा भाई मुझे हर जन्म में मिले। अच्छा चल, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना, और कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी भैया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, हैप्पी रक्षाबंधन, और आप भाई बहनों का ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे।